गाइस ये मेरे टीचर हैं, ये मुझे स्विमिंग सिखाने आए हैं। तो हम टीचर और मेरे में बैट लगी है, टीचर बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम मेरे साथ स्विमिंग सीखो। तो अब हम दोनों पानी में जाएंगे, देखते हैं पानी में से बाहर कौन निकलता है। ठीक है सर, चलो 1 2 3 एंड गो। बात बता रहा हूँ आपको, कभी ऐसे टीचर मत हायर करना जिनके बस की कुछ नहीं है, आपको गलत सिखाएंगे, खुद को आता नहीं है। मैंने इनको बहुत देर पहले देख लिया था, मैं इसलिए निकल गया, मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कल 30 से भी ऐसे बंदे को हायर मत कर देना। चलो भाई निकलो निकलो यहाँ से, देखो निकाल दिया मैंने, आप भी ऐसे बचो इन लोगों से। बाय बाय। हे गाइस, ले बोल दे। तो हे गाइस, फिर अब मैं चलता हूँ जिम, जिम का टाइम हो गया। ये है आज नेक्स्ट डे, ब्लॉग मेरा स्टार्ट कल से हो चुका है लेकिन बन रहा है बहुत लंबा बिकॉज मैं कल सो गया था। तो अभी जिम चलते हैं और आज मेरी एक्सरसाइज होने वाली थाई की, और थाई बहुत ही हैवी होने वाली है। तो चलो कोई प्री वर्कआउट मील ले लेता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा डल डल सा फील हो रहा है और उसके बाद एक्सरसाइज करने चलते हैं। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके अंदर है, तो गाइस इसके अंदर है मेरा एक स्विमिंग कैप। लाओ मैं पहन के दिखाऊं, लाओ मैं पहन के दिखाऊं, तुम आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखो, ये इसकी पैकिंग है, बहुत ही जबरदस्त पैकिंग है। एक्चुअली मैं स्विमिंग करता हूं, स्विमिंग के अंदर ना बाल खराब हो जाते हैं। हां, और क्लोरीन होता है उसके अंदर। वाओ, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। अबे ये तो है ना, लगा के दिखाती हूं मैं, तुम ही लगा के दिखाओ। ये बहुत ही रोमांचक है एक्चुअली गाइस, ये बड़ा रबड़ का है, लेकिन सही है। क्या करूँगा मैं, बाल ऊपर कर लूँगा। और इसको ना बहुत इजी पहनने का मेथड होता है जो बच्चों को नहीं पता है, मुझे ही पता था सिर्फ, इसलिए बच्चों से बोलना है ये कभी मुंह नहीं लगना है। इसको ऐसे करना है कैप को एक्चुअली बहुत टाइट है, सो दैट पानी अंदर ना जाए, तो इस वजह से। देखिए गाइस, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, उस टाइम पे क्या ना, नहीं नहीं इसको ऐसे करना है कैप को। अरे यार बाल बहुत ही ज्यादा बड़े मेरे, और ऐसे करके पहन लेना है। अरे तो इसके अंदर सारे बाल तो जाएंगे, सारे बाल पहुंचाओ अंदर। तो ये छोटे बाल वालों के लिए है, नहीं अब ऐसे जाएंगे उस टाइम पे। मैं पीछे से लो बाल, दूसरा मेथड, पहले वाला फेल हो गया, दूसरा मेथड कैसे पहनी जाएगी। पीछे के बाल, पीछे के बाल नहीं जाएंगे ना, अंदर जाएंगे ना यार, पीछे के बाल तो अंदर पहुंचाओ। अरे भैया ये तो पहन नहीं आता, मैं पहनाती हूं जाके, पहनाने के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। लो करो, ये पूरी जबी का फायदा है बस यार। नहीं भाई अंदर जाता है पूरा ये, तो वहां पे मेरे पास तुम थोड़ी ना स्विमिंग पूल में। फिर अब मेरे को गाइस बाल कटवाने पड़ेंगे। बस यार ये आके आके सब चली गई। अरे यार आप लोग कमेंट में बताना, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे अंदर जाते होंगे, ऐसे बाल आते निकलेंगे तो क्या फायदा। मुझे लगता है गलत पहनी है, गंदे जुड़ जाएंगे। तो गाइस जैसा भी है ठीक है, आज इसको भी पहन के स्विमिंग करेंगे। मुझे लगता है गलत पहनी है, हमसे शायद पहनना नहीं आ रहा, यूट्यूब पे देखेंगे उसके बाद। नहीं मेरे को पता है, ऐसे ही पहना जाता है, ऐसे नहीं पूरा यहाँ तक जाते हैं यार, पूरा ही शावर कैप नहीं होती हमारी, साइज होता होगा। अच्छा एक बात, तो शावर कैप नहीं होती, साइज होता होगा। हाँ साइज तो फ्री साइज था। हाँ तो यही होता है गाइस, तो यही है। और आज इसी को पहन के ऐसे स्विमिंग करेंगे, जितना है बढ़िया है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत पहना है, तो कमेंट में यार एक छोटा सा कोई मेरे को लिंक भेज दो, इसमें वीडियो चेक कर लूँ, ठीक है।
ठीक है, पीछे से देखो ऐसे हो रहे हैं, मेरे पीछे से बाल तो निकल रहे हैं यार। कोई बात फायदा क्या, मुझे लगता है कैसे पहनूं, तो मैं पहन के दिखाती हूं। ये तुम्हारे साइज का है? नहीं भैया, अरे बंद कर दो, अभी हम सीखेंगे उसके बाद। नहीं नहीं चलने दो, चलने दो, चलने दो। क्या ड्रामा, मुझसे तो नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं, ये छोटा कर दिया शायद हमने। नहीं, नहीं। अब ये शावर कैप होती है, देखो मैं अपनी शावर कैप दिखाती हूँ, वो तो पूरी होती है ऐसे आधे बाल। बाल मेरे बहुत बड़े हुए ना। ये देखो गाइस, ये शावर कैप है, मान लो मुझे सिर नहीं धोना है सिर्फ नहाना है, तो देखो पूरे बाल जाते हैं ना अंदर। अब ये थोड़ी ना आधे बाल मेरे निकले रहेंगे ये, और ये बस इसमें ये फर्क होता है, ये टाइट होता है, ये थोड़ा इतना टाइट नहीं होता। ओके ओके ओके, तो गाइस अब मेरे को समझ में आ गया ये है कैसा, ये एक्चुअली में ऐसे, ठीक है। नहीं यार, नहीं यार, पहनना नहीं आ रहा, तो या फिर साइज छोटा है। चलो इतने भानो सीख लेते हैं, बाकी आप देख लेना स्विमिंग पूल में क्या करते हैं इसका। तो हे गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी और चल रहे हैं बड़ा बड़े जिम, और अभी जिम में मेरा स्टाइल चल रहा है ये वाली कैप लगाने का, कैप लगा के थोड़ा स्टाइलिश लगता हूँ, है ना, कैप लगा रखी है, और बैग पैकिंग हो गई है मेरी। अब फटाफट चल रहा जिम, और आज थाई की एक्सरसाइज करनी है, तो प्रिपरेशन पूरी चल रही है, और करते हैं, चल गए थाई की एक्सरसाइज। गाइस आज मैं कर रहा हूँ थाईज, तो थाईज की एक्सरसाइज का पहला मेरा सेट है। पूरी बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज कर लो, इतनी थकावट किसी में नहीं होती जितनी आपके थाई में होगी। भाई ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल डेड, बिल्कुल डेड हो रहा हूँ। एक्सरसाइज हो गई खत्म, थाइस की आज एक्सरसाइज थी। अब जा रहा हूँ मैं अगेन से स्विमिंग पूल में, और आज मैंने स्विमिंग पूल के लिए आपको जैसे बताया था, ओह माय गुडनेस, मेरा फ़ोन ना ही इतना ज़्यादा गिरता है, इतना ज़्यादा गिरता है, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना कुछ होता ही रहता है इसमें, कभी कहीं गिर जाएगा, कभी कहीं गिर जाएगा। एंड मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने मंगाई है कैप, और स्टार्टिंग में वीडियो में मैं कैप पहन नहीं पा रहा था, तो इसका एक मेथड है, अब मैं वो मेथड ट्राई करके दिखाऊंगा कि कैप कैसे पहनते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैप कैसे पहननी है, आओ बताता हूँ कैसे पहननी है।
तो सबसे पहले आपको अपने बाल गीले कर लेने हैं, वो भी शावर से, ठीक है। ये मैंने शावर से अपने बाल गीले कर लिए और इस कैप को ऐसे करना है, इसमें इस तरीके से पानी भर दो ये भाई, एंड फिर बहुत सिंपल है ऐसे ही क्या पहन लो। ओके, अब चलते हैं पानी में, कोई टेंशन भी नहीं हुई और कैप वेयर हो गई। आ जाओ, मैं प्रॉपर तैयार हो गया हूँ, मेरी कैप लग गई है फर्स्ट क्लास और मेरे ग्लासेस आ गए हैं, तो अब स्विमिंग और भी इजी रहेगी और परफेक्ट रहेगी और ज़्यादा बढ़िया रहेगी। मज़ा, कैप से बहुत फ़ायदा हो गया है, मेरे बार बार बाल मुझे लगते थे अब नहीं लगेंगे और मैं इसका जिम भी सॉरी मैं स्विमिंग बहुत इजी कर सकता हूँ। कईयों की कैप ना, ये मेरे को लग रहा है मेरे कैप शायद छोटी आ गई, वरना कैप जो होती है आपके कान भी बंद कर देती है, तो मैं दूसरी कैप पहनाऊँ जो मेरे कान बंद करती है, बाकी हेयर्स के लिए बेस्ट है मेरे। आज देखते हैं मैं वहाँ तक कितना रहता हूँ, साथ साथ चलिए ब्लैक हो जाता है। आपका पेट भी कम होगा और आपको पैर चलाने की आदत होगी, तो ये भी बेस्ट है, इसको भी ट्राई करें, बहुत इजी होती है, बड़ा रिलैक्स भी रहता है। चश्मे और कैप से फ़ायदा बहुत है यार। पूरा नीट एंड क्लीन अंदर दिखता है और बहुत इजी लग रहे हैं। तो बताओ गाइस, मैं इस कैप में लग कैसा रहा, स्मार्ट एवेंजर्स लग रहा हूँ, एवेंजर्स है भाई, एवेंजर लग रहा हूँ। हाँ एवेंजर, कौन कौन सा वाला एवेंजर लग रहा हूँ, हैं कौन सा वाला एवेंजर पता, उसकी तरह क्या बोलते हैं वो कैप्टन अमेरिका की तरह, कैप्टन अमेरिका की तरह लग रहा हूँ। देखा आपने पढ़ाई सुन के मुझे कितना मजा आया, कैप्टन अमेरिका इधर आई गई। पता है ऐसे मेरी स्विमिंग चलती रहेगी और मैं सीखता रहूँगा, आप लोग मुझे देखते रहो तो आप लोग भी स्विमिंग सीख जाओगे, है ना। ओके, भाई जिस जिसके पैरों में बाल है ना उसके साथ एक इशू हो सकता है, जैसे वो स्विमिंग पूल में नहाता है तो उसे ऐसा फील होता रहेगा जैसे जब वो हिलेगा कि उसके पैर पे कुछ लग रहा है, उसके पैर पे कुछ लग रहा है, बट कुछ नहीं होता मेरे भाई, वो आपके बाल होते हैं, वो आपके पैरों में ऐसे टच होते हैं, ऐसे लगता है कोई चीज़ आ गई, कोई चीज़ आ गई, तो आप बार बार चेक करते हैं जैसे मैं चेक करता हूँ, लेकिन नीचे जाके कुछ नहीं निकलता और वो कुछ होता भी नहीं है, बस दिमाग में ऐसे लहरते हुए ना फिर बाल हिलते रहते हैं। जब आप आँखों पर चश्मा लगा लेते हो बिना स्विमिंग किए हुए तो क्या होता है, तो स्विमिंग के जो ग्लास होते हैं ना इनके ऊपर ओस सी जमने लग जाती है, तो इसलिए आपको जब पानी में से आप निकलते हो तो आपको हटाना पड़ता है और जब पानी में आप जाते हो तो आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर ये बहुत बढ़िया कमाल दिखाते हैं, पानी से निकलते ही ऐसे लगता है धुंधला धुंधला, अब जैसे कितना नीट एंड क्लीन है, तो यही चीज़ पानी के अब लगा लिया मैंने, धुंधला लग रहा है लेकिन पानी के अंदर। बहुत नीट एंड क्लीन है। और गाइस एक और चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपको बैलेंसिंग बनानी है, अभी मैं एक चीज़ और सीखना चाहता हूँ, जैसे जो बंदे उल्टा लेट जाते हैं और इजी लेटे रहते हैं, ये सब बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। हम कई लोग उल्टे ऐसे करके स्विमिंग करते हैं ना, अपन लोग वो नहीं कर पा रहे बिकॉज अपनी बॉडी का ना मतलब स्ट्रक्चर अभी इतना बेटर हुआ नहीं है, उसको भी बेटर करना है मुझे धीरे धीरे, दोबारा ट्राई करता हूँ।
सांस ले लेनी है, सांस अपने अंदर भर लेनी है। ज्यादा है मेरा कि मैं ये सब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बट कोई नहीं, ट्राई करता रहूँगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती रहेंगी। तो गाइज ये नहीं बताते आप लोग कि मेरे व्लॉग में आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लो ना यार, मज़े के लिए तो दुनिया है। ठीक है अब मैं आ रहा हूँ आपके अपडेट। तो गाइज अगर मेरे व्लॉग में मज़ा आ रहा है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये लाल जो बटन है ना इस पर हिट करो, चाहे इसको कहीं और फिट करो बट इसको दबा दो, और मेरी दूसरी वीडियो आने के लिए मुझे कमेंट करो कि करो ना यार, जैसे मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ या स्विमिंग की चीज़ें सिखा रहा हूँ मज़े लेते हुए, आप ये चीज़ें सीख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल्स एंड